अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये थ्री नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये दो का तीन नंबर नहीं है, डायरेक्ट थ्री नंबर है, मेन वाला थ्री है, ठीक है। थ्री नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी डायरेक्ट समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बनाइए इसको। और किसमें बनाना है, जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसको बनाइए, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों से बनाना है। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें ये बोला है कि दोनों मेथड आपको हम बता चुके हैं, अभी बहुत पहले बताए थे। प्रतिस्थापन विधि मतलब ए का वैल्यू निकाल के दूसरे में भर देना है, तो उस मैथड से ही बनाना है इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड यानी वज्र गुणन विधि से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्या कीजिएगा, यहाँ से x का मान निकाले, समीकरण एक से नहीं दो से चलते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगे, समीकरण एक से ही चलिए। एक से लिखा है एट एक्स, यहाँ पे एक मान लें, यहाँ पे दो मान लें, एट एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन। एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आई आ जाएगा बट्टा में। ये हम बता चुके हैं आपको मेथड कैसे कि ये प्लस में इधर आया तो माइनस में आई आ जाएगा आपका बट्टा में। एक्स का मान निकल गया, अब एक्स का मान ले जाकर दूसरे में भर दीजिए। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, एक्स का मान समीकरण दो में रखिए, यहाँ पे पहले समीकरण दो तो लिख दीजिए, या फिर है क्या, तो ये हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा थ्री, एक्स का मान क्या आया है, तो जहाँ एक्स है वहाँ लिखिए नाइन माइनस फाइव वाई बट्टा में आठ प्लस में टू वाई इज इक्वल टू फोर। जब ब्रैकेट के बाहर दोनों में गुणा करो, तीन नवा सत्ताईस माइनस एक्स है ना, यहाँ पे नहीं एक्स नहीं है, तीन पचे पंद्रह वाई, अब बटा में हो जाएगा आठ, अब प्लस में टू वाई बराबर में चार, बटा एक मान के बटा का जोड़ कीजिए। तो यहाँ पे जब जोड़ कीजिएगा बटा का जोड़, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा आठ, ये हो जाएगा 27 माइनस 15y 15y या प्लस में 8 दुना हो जाएगा 16y इज इक्वल टू 4। जब बीच में बराबर होगा कुछ समझ में नहीं आए तो क्या कीजिएगा, 8 चौका 32 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 27 माइनस 16 में से 15 को चला जाएगा भाई, तो एक वाई बचेगा लेकिन प्लस में बचेगा, क्योंकि ज़्यादा वाला प्लस में है, 8 चौका 32, ठीक है। वाई बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 32 माइनस 27, वाई बराबर जब 32 में से 27 घटाएगा तो 27 33 5 बच जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जब 5 बचेगा तो वाई का मान कितना आ गया, 5। जब वाई का मान 5 तो ले जाके इसमें भर दीजिए, वाई का मान समीकरण एक में, एक नहीं एक दो है ना, तो इसको तीन मान लो। देखो इसमें भी भरोगे तो आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है। समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन क्या है, एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव वाई बट्टा एट, एक्स बराबर नाइन माइनस वाई का मान कितना आया है, पाँच लिख दिए, जहाँ वाई है वहाँ वाई का मान पाँच आया है, बराबर में हो जाएगा आठ, एक्स बराबर नाइन, पचास हो जाएगा पच्चीस और बट्टा में आठ, पच्चीस में से नौ जाएगा तो कितना बचेगा, तो पच्चीस में से नौ जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमको लग रहा है कि पंद्रह, पंद्रह में से आपका नौ जाएगा कितना हो जाएगा, ये छः, ये एक सोलह बट्टा में आठ, माइनस में आठ दूना सोलह, माइनस में दो आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये x बराबर ये तो निकल गया, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये कौन से विधि से निकला, तो ये विधि से निकला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपको प्रतिस्थापन विधि से निकला। हमको ये भी विधि बनाना है, और कौन सा विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी, यानी कि वज्र गुणन विधि बनाना है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब कि वही इसी विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको अब किस विधि से बनाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए कैसे, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला आपको पता है a1 a2, तो उसके लिए यहाँ पे a1 a2 निकालना पड़ेगा। कौन है, देखिए ये a b c है, ये भी a b c है, पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c होता है, ये इधर रहेगा मतलब बराबर के इधर रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे a b c होगा तो दो दो टू a b c d हो जा रहा है, मतलब a b c हो जा रहा है। तो पहला वाला को a1, दूसरा वाला को b1,
कॉमन, माने भाई एक वाला हिस्सा इसको वन वाला हिस्सा मानेंगे और इसको टू वाला हिस्सा मानेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए वन बराबर है आपका, नहीं तो पहले प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एट एक्स प्लस फाइव वाई अब माइनस में हो जाएगा नाइन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से a1 a2 भरिए, a1 कितना है पहला वाला है a1 है 8, b1 कितना है b1 है आपका 5 और c1 कितना है c1 है आपका माइनस 9, a2 कितना है तो a2 आपका 3 है, ये 2 वाला ये है, b2 कितना है तो b2 आपका है 2 और c2 कितना है तो c2 आपका माइनस 4, बस हो गया। यही तो आप भर देना, कौन सी विधि से बनाना है वज्रगुणन विधि से, तो यहाँ लिखिएगा वज्र गुणन विधि से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, ठीक है यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है x बट्टा, बताए थे ना BC में से BC घटाइए, y बट्टा BC के बाद से CA में से CA घटाइए और 1 बट्टा क्या हो जाएगा आपका ए बी में से ए बी घटाइए। इसके पीछे वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हम बताएं कैसे होता है। यहाँ लगाए हम वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, भरे वैल्यू, एक्स है तो एक्स बट्टा बी वन कितना है, बी वन है फाइव इंटू सी टू कितना है, सी टू आपका है माइनस में फोर, माइनस है तो माइनस, बी टू कितना है तो बी टू आपका टू है। देखते चलिएगा ध्यान से, आप खुद से ही भर के देख सकते हैं, इंटू सी वन कितना है, सी वन आपका माइनस में नाइन है, इज इक्वल टू वाई बट्टा, यहां देखिए सी वन, सी वन कितना है माइनस में नाइन, इंटू ए टू कितना है, ए टू है थ्री माइनस, सी टू कितना है, सी टू है माइनस में फोर इंटू ए वन कितना है एट है बराबर वन बट्टा ए वन, ए वन आपका एट माइनस ए टू, ए टू आपका दो फिर माइनस, ये इंटू हो जाएगा। ए टू कितना है, ए टू है आपका, ए टू आपका है थ्री, यहाँ पे ए वन हो गया आपका एट, बी टू हो गया आपका दो और यहाँ पे ए टू हो गया आपका थ्री और बी वन, बी वन कितना हो गया, बी वन हो गया आपका फाइव, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम लोग जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स का एक्स लिख दीजिएगा, अब बट्टा पाँच का बीस लेकिन माइनस में है तो माइनस में, नौ दूना अठारह माइनस माइनस प्लस में अठारह, ये देखिए वाई बट्टा नौ थ्री सत्ताईस, आठ चौका बत्तीस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू वन बट्टा आठ दूना सोलह माइनस पाँच यही पंद्रह, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो एक्स बट्टा ये हो जाएगा, जब घटाइए देखिए घटाते कब है, जब एगो प्लस में एगो माइनस में हो, बीस में से अठारह जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में दो, वाई बट्टा बत्तीस में से सत्ताईस जाएगा तो हो जाएगा आपका पाँच लेकिन प्लस में, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, और ये हो जाएगा एक सोलह में से पंद्रह जाएगा एक। एक बार इसको इसके बराबर कीजिए तो एक्स बट्टा माइनस टू बराबर एक बट्टा एक, तो एक्स बराबर तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद से आ जाएगा माइनस टू, ये वाला दूसरा कंडीशन क्या है, एक बार ये दोनों को बराबर कीजिए वाई बट्टा पाँच बराबर एक बट्टा एक, वाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो वाई में एक से तो वाई है पाँच एकम पाँच तो y बराबर पाँच, देखिए इससे भी वही आंसर आया और हम लोग का विस्थापन यानी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग का वही आंसर आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वही आंसर आया। तो ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, देखिए दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं, ये हम लोगों के लाइफ से रिलेटेड है। जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दीजिएगा और कहीं बाहर पढ़ने के लिए किसी चीज़ का तैयारी करने के लिए जाएगा तो आपके सामने ये कंडीशन आता है, क्या आता है, आप तो रूम रेंट दे करके वहाँ रह लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि आपको खाना बनाना पड़ता है। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो ग्रुप में रहते हैं तो कहे कि एक काम करो तुम आज थाली धो देना, बर्तन धो देना, तुम आज रोटी बना लेना, तुम सब्जी बना लेना, तुम सब्जी काट लेना, ऐसे लोग बांट देते हैं। लेकिन इन सबसे
बचने के लिए कोई कोई लड़का क्या करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो क्या करता है कि जा करके होटल एक कर लेता है कि भाई तुम, हम एक महीना अगर खाएंगे तो तुम कितना पैसा लोगे भाई, इधर डायरेक्ट बताओ, ठीक है, अगर एक एक दिन खाएंगे तो रोज़ रोज़ कितना रुपया लोगे, तो फिक्स चार्ज देख लेगा कि एक महीना खाओगे तो मान लो कि 2000 रुपया देंगे, चाहे 3000 देना पड़ेगा तुमको, ठीक है, अगर एक एक दिन खाओगे तो एक दिन का तुमको 400-500 देना पड़ेगा। तो बहुत ऐसे लड़के पूरा मंथ में मतलब एक महीना का पैसा दे देते हैं और खाना खाते रहते हैं आराम से एक महीना, और बहुत ऐसे लड़के हैं जो आज खाएंगे फिर एक दिन घर पर बनाएंगे फिर मार्केट में खाएंगे, ऐसे होते रहता है। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए पार्ट ऑफ ए मंथली होटल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन ए मेस। व्हेन ए स्टूडेंट एट टेकन फूड फॉर 20 डेज सी हैज पे 1000। यहां समझिएगा, कह रहा है कि एगो मेस है, मेस में अगर खाना खाने जा रहे हैं तो फिक्स चार्ज है, यानी कि आपको दिया गया होटल का मंथली फिक्स चार्ज है कि एक महीना का खाना का इतना रुपया लगेगा, आ नहीं तो दूसरा किस पर डिपेंड करता है, एक एक दिन का खाना का कितना रुपया लग रहा है, दो तरीका से खाना खिलाया जाता है। या देखिए बहुत ऐसे काम मिलता है जो काम उसी समय करो तो पेमेंट उसी दिन मिल जाता है, ठीक है, अब बहुत ऐसा होता है कि एक महीना काम कीजिएगा तो एक महीना के बाद पेमेंट आएगा, ये दो तरीके का यही पेमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक महीना का चार्ज निकालेंगे, वन मंथ का, यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक माह का भोजन खर्च फिक्स लिख रहे हैं या नियत खर्च भी लिख सकते हैं, भोजन खर्च कितना लगेगा, एक्स लगेगा, आप पर डे का एक एक दिन का लगेगा तो इसको वाई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, यानी कि अगर एक एक दिन आप खा रहे हैं तब, और उसके बाद से आपका हो जाएगा प्रतिदिन का भोजन खर्च, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ डे यानी प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का भोजन खर्च कितना हो जाएगा, वाई। अब देखिए बेचारा लड़का क्या किया, ए टेकन फूड, बेचारा ए भोजन खाया है 20 दिन, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ए तो ये फिक्स किराया, ये पता नहीं है कि कितना दिन का फिक्स किराया है, होता है कि 30 दिन एक महीना हो गया तो फिक्स किराया है, बेचारा एक्स्ट्रा 20 दिन खाना खाया है, ये महीना तो एक महीना खाने के मान लो कुछ देर मान ले कि एक महीना खाया है तो 100 रुपया उसको देना पड़ा है, अब 20 दिन और एक्स्ट्रा खाया है तो एक्स्ट्रा खाने का वाई रुपया लग रहा है, तो एक दिन का वाई रुपया तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 वाई, ठीक है, और दोनों पैसा ये महीना का खर्च हो गया, एक महीना से 20 दिन ज़्यादा खाया है, ये दोनों खर्च मिला के इसको कितना देना पड़ा है, 1000 रुपया। एक लड़का और है इससे भी बड़ा भूखड़ है, देखो क्या ये जो बी है, बी 26 दिन खाना खा रहा है एक्स्ट्रा, तो ये तो 30 दिन खाया है लेकिन इससे 26 दिन ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 26 वाई, और बराबर में यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये कितना रुपया दिया है, 1180 रुपया दिया है। तो हो गया दो समीकरण हमारा, ये देखिए एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू इतना हो गया और एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है, यानी कि 1180 हो गया। अब आप बताइए कि जब दो समीकरण हो जाए तो कह रहा है यहाँ पे क्या, यही तो निकालना है यहाँ पर डे का फिक्स दोनों का किराया निकालना है कि एक महीना में कौन रुपया ही दे रहा है, ये दोनों को मिला के दिया है ना, तो एक महीना में कितना लग रहा है, एक दिन का कितना लग रहा है, यही निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सुटेबल यहाँ लिख लें, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम प्रश्न से x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ और x प्लस 26y इज इक्वल टू, समीकरण एक ये हो गया, समीकरण दो ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो कोई भी मेथड द्वारा आप बनाइए, इसके लिए कोई नहीं बीजगणितीय कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बनाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो उससे भी बनाइए, अगर आपको प्रतिस्थापन यूज करना है तो उससे भी बनाइए, या फिर आपको विलोपन यूज करना है तो उससे भी बनाइए, जिससे अच्छा लगे उससे बनाइए, ठीक है। तो हम लोग अपना प्यारा विधि इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, यानी कि वज्र गुणन विधि से, यहाँ हम लिख दे रहे हैं वज्र गुणन विधि से, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वज्र गुणन विधि में फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये इसको इधर ला लीजिएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, आप डायरेक्ट समझिए कि हम ये माइनस में दोनों भरेंगे क्योंकि ये तीनों सिक्वेंस में होता है, ठीक है, उधर बराबर के इधर उधर नहीं रहेगा। अब देखिए वज्र गुणन विधि है एक्स बट्टा, क्या होता है वज्र गुणन विधि, एक्स बट्टा बी सी में से बी सी घटाइए, फिर वाई बट्टा सी ए में से सी ए घटाइए, फिर वन बट्टा ए बी में से ए बी घटाइए, ठीक है, 1 2 2 1,
1221 ठीक है। अब x बट्टा ठीक है, अच्छा रहता कि हम लोग पहले ही यहाँ पे एक काम कर देते हैं। काम क्या करना है कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 मान लेते तो अच्छा होता। यहाँ लिख रहे हैं a1 बराबर कुछ नहीं तो 1, b1 बराबर कुछ नहीं है कुछ तो है 20, और c1 बराबर बताए थे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1000 ठीक है। यहाँ देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 1, b2 बराबर कितना 26, और c2 बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 1180 ठीक है। ये हम लोग को भरने में आसान रहेगा। अब बताइए b1 क्या है यहाँ पे, तो b1 है 20 ठीक है, इनटू c2 क्या है माइनस में है आपका 1180 ठीक है, और फिर माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए b2 क्या है, तो b2 आपका है 26 इंटू c1 क्या है तो 1000 है, 1000 है। ये x का भी भरे हैं हम ठीक है, ये मेन बट्टा है आप माइनस है इज इक्वल टू y बट्टा, बहुत बड़ा बट्टा देना पड़ रहा है। c1 है माइनस 1000 इंटू a2 है आपका 1, माइनस c2 है आपका माइनस 1180 और इंटू a1 है आपका 1 ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए तीसरा है 1 बट्टा ठीक है, a1 आपका क्या है 1 है, 1 इंटू b2 आपका है 26 माइनस, उसके बाद क्या है, उसके बाद है a2 आपका 1 इंटू b1 आपका कितना है 20। समझ में है, आप सीक्वेंस में भर लीजिएगा इसको साफ साफ दे लिख करके, आपको बता चुके a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये होता है। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अच्छा रहेगा यहाँ पे सॉल्व करें ठीक है। यहाँ लिखेंगे x बट्टा, यहाँ देखिए जब 20 में हम लोग 1180 में गुणा करेंगे तो पहले दो में सबसे गुणा कर लो, कितना होगा 8 × 2 = 16 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 1 = 3, 2 × 16 = 1, 2 × 2 = 3, और 2 × 2 और 2 × 0 है तो बैठा दीजिए ठीक है। ये माइनस में आएगा गुणा करने पर माइनस में, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस कितना 2600 ठीक है, 26000 होगा, 3 × 0 है ठीक है। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर ठीक है। अब यहाँ y बट्टा इसको गुणा कीजिए, तो y अब बट्टा 1000 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1000 ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, आइए उतना ही हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा 1180 इज इक्वल टू ठीक है। अब यहाँ पे बच गया तीसरा, ये वाला हो गया आपका, ये वाला तीसरा कंडीशन, ये हो जाएगा 1/26 - 20, क्यों 26 × 26 20 सॉल्व कीजिए इसको, x बट्टा 2600 में से 26000 में से 23600 जाएगा तो कितना बचेगा 23600, 0 0 आपका ये हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 2, खत्म 2400 बचेगा, कितना बचेगा 2400 प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, इज इक्वल टू y बट्टा 1180 में से 1000 जाएगा तो बचेगा 180 प्लस में क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, इज इक्वल टू 1/26 में से 20 जाएगा तो 6। अब क्या कीजिएगा, x y का वैल्यू निकला, x को एक बार नंबर के बराबर, एक बार y को नंबर के बराबर ठीक है। यहाँ आप क्या कीजिएगा कि x बट्टा 2400 इज इक्वल टू 1/6, ये कटाइएगा हो जाएगा 6 × 24, यहाँ 400 दो को जीरो नहीं कटा तो उतार देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए या फिर अलग लिख के भी, 400 में 1 से तो x बराबर 400 हो जाएगा, x बराबर 400, ये x का वैल्यू निकल गया। दूसरा देखिए इसको बराबर कीजिए, y बट्टा 180 इज इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ही कटा दीजिए 6 × 3 = 18 कट गया, ये 0 × 1 है, y बराबर ये 30 हो जाएगा आपका ठीक है। तो यहाँ क्या निकला, x बराबर 400 आया और y बराबर 30 आया, ये ज्यादा बड़ा नहीं बना है, अभारी भी नहीं है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x आप क्या माने है, x माने है एक महीने का खर्च आपको 400 रुपया देना पड़ेगा ठीक है, अगर आप एक महीना खा रहे हैं तो 400 दीजिएगा, और y पर डे का, और रोज रोज अगर खा रहे हैं तो रोज का 30 रुपया खाने का चार्ज लगेगा ठीक है। तो यही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे लिखना है तो, एक महीने का भोजन का खर्च 400 रुपया और प्रतिदिन का भोजन का खर्च 30 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और बिना देर किए हम लोग देखते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन।
अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है, मैथमेटिक्स आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज एडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। नहीं पल्ले पड़ा, तो देखिए कैसे पड़ेगा। कह रहा है कि एक भिन्न, 1/3, भिन्न का होता है, भिन्न माने होता है बट्टा, क्या होता है बट्टा, कुछ नहीं है तो एक्स और वाई हम लोग ले सकते हैं, मैंने कोई भी नंबर बट्टा में है इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो कह रहा है पता है क्या, कोई भिन्न दिया है वो हमको पता होता नहीं है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर एक घटाएगा किसमें से, नॉमरेटर में से, सपोज मान लीजिए कि एक्स और वाई हमको नहीं पता है तो ऊपर वाला कुछ मान ले, नीचे वाला कुछ मान ले, अब बोल ई होता है नॉमरेटर माने अंश, आ ई होता है हर, डिनोमिनेटर यानी ये होता है अंश और ये होता है हर। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि अगर अंश में से यानी अंश में एक घटा दीजिएगा, आपका यही ना है बट्टा में दिया है, भिन्न दिया है, अगर अंश में से एक घटा दीजिएगा तो 1/3 आपका वो बट्टा बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यही तो बोल रहा है, ठीक है, कि कोई आपको बट्टा में दिया है उसमें खाली ऊपरवा में से एक घटाइएगा कि जब घटाने के बाद यहाँ 1/3 बचेगा। तो भाई ये आखिर बोल रहा है कि ये नंबर यहाँ पे होगा क्या। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर एक्स बटा वाई ही दिया है, अगर नीचे वाला में यानी कि नीचे वाला में क्या जोड़ दीजिएगा, डिनोमिनेटर उसको बोला जाता है हर, हर में अगर 8 जोड़ दीजिएगा तो पता है आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 1/4, यही तो आपको बोला है। तो सबसे पहले अंश को x मानिए, यानी ऊपर वाला कुछ नहीं पता है तो एक एक्स और नीचे वाले को वाई, उसमें ये घटा के ये लिखिएगा और ये जोड़ के ये लिखिएगा। हम अपने से कुछ नहीं किए हैं, यहाँ बोला था कि नीचे वाला में से यानी कि अंश में एक क्या कर दीजिए, घटा दीजिए तो 1/3 हो जाएगा, और हर में 8 जोड़ दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो हर में 8 जोड़े हैं तो आंसर क्या आ गया, 1/4। तो आइए लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले मान ले बट्टा वाला, माना कि अंश इज इक्वल टू एक्स तथा हर इज इक्वल टू वाई, तो बताइए जब एक्स ऊपर वाला नीचे वाला वाई तो बट्टा कैसे बनेगा, एक्स बट्टा वाई, और एक्स बट्टा वाई को हम लोग भिन्न कहते हैं, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स बट्टा वाई। प्रश्न से में पहला कंडीशन क्या है कि अगर अंश में ऊपर वाला में से एक घटा दें, तो प्रश्न से एक्स में से वन घटा, ये एक्स बटा वाई था, हमने क्या किया एक घटा लिया, तो जब हम एक घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 आएगा, यही क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, अब दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है, ये स्थिति हम लिख देते हैं, स्थिति वन हो जाएगा या फिर कंडीशन वन हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन हमारा होगा, चाहे पहला कंडीशन लिख के पहले बना ले, ठीक है, जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक्स में दोनों से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या वाई एकम वाई। ABCD वाला को एक जगह रखो, नंबर को अकेले छांट दो, तो ये प्लस में हेने आएगा तो माइनस में, आई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, आई माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 3। लेकिन इसको हम लोग इधर ला लें, इधर लाने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में समीकरण 1। यहाँ a1 a2 b1 b2 अब ये मानते चलिए, ठीक है, a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा आपका y, मतलब कि 1 माइनस में 1, और c1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 3, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं, स्थिति 2 में क्या होगा, स्थिति 2 क्या होगा आप बताइए, यहाँ नोमरेटर था इसमें आप क्या घटाएं 1, यहाँ बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर आप नीचे वाला में 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ तो है x बट्टा वाई, नीचे वाला में 8 जोड़ दीजिएगा तो 1/4, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4x बराबर वाई प्लस 8, ठीक है, यहाँ 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y बराबर 8, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी दूसरा समीकरण यहाँ पे बन गया, लेकिन ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 4x माइनस वाई और माइनस में यहाँ 8 बराबर 0। यहाँ लिख दीजिए a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 1 और c2 बराबर माइनस 8। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगे, वज्रगुणन विधि, आपको जो अच्छा लगे वो विधि लगा सकते हैं, फ्री है, लेकिन यहाँ हम लगा रहे हैं वज्रगुणन विधि, वज्र गुणन विधि। जब वज्र गुणन विधि लगाइएगा तो होता है फॉर्मूला x बट्टा bc में से bc घटाइए, y बट्टा ca में से ca घटाइए, और यहाँ घटाइए ab में से ab,
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब एक काम कीजिए, वैल्यू भरिए x बट्टा b1 कितना है, तो b1 है माइनस 1 इंटू c2 कितना है, तो आपका c2 हो जाएगा माइनस में 8, मेन माइनस ये हो गया। b2 है माइनस में 1 इंटू c1 है माइनस में 3, ठीक है, आपका c1 हो जाएगा माइनस में 3 इज इक्वल टू y बट्टा, और y बट्टा कर दिए हम, तो c1 कितना है, तो माइनस में 3 इंटू ए टू कितना है, तो 4 है, माइनस c2 कितना है, तो आपका हो जाएगा माइनस में 8 इंटू क्या हो जाएगा, a1 कितना है, तो a1 है आपका 3 बराबर 1 बट्टा, फिर देखिए a1 b2, पहले a1 यानी 3 अगुणे b2 यानी माइनस 1 माइनस a2 b1, a2 आपका a2 हो गया 4 और b1, b1 हो गया माइनस 1। अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए, सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और बट्टा 8 एकम 8, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू y बट्टा 4 3 12, माइनस में आपका 12, अब माइनस माइनस ये प्लस, 8 3 का 24 इज इक्वल टू 1 बट्टा, ये कितना है 3 एकम 3 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 4, 8 बट्टा 8 में से 3 जाएगा 5, और ये 24 में से 12 जाएगा तो 12, और ये 3 में 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसको x हो गया यहाँ पे, इसको एक बार इसके बराबर, इसको एक बार इसके बराबर, क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो x बट्टा 5 इज इक्वल टू 1 बट्टा 1, तो x बराबर हो गया आपका 5, फिर ये वाला दोनों साथ में लीजिए एक बार, y बट्टा 12 इज इक्वल टू 1 बट्टा 1, तो y बराबर आपका 12, एक x बराबर 5 आया और y बराबर 12 आया, और वैसे भी आप अंश को माने हैं x, हर को माने हैं y, तो भिन्न बराबर का हो गया है x बट्टा y, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका x आया है 5, आया है 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हमने इसको बना दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।